क्या पूछना है सर कि जो आप मैसेज दे रहे थे कि जो एक सिविल सर्वेंट है उसको लाइफ के अंदर उसको पैसा नहीं और उसको जो एक शोहरत कहते हैं एक फेम कहते हैं वो नहीं, तो वो जो आप किक की बात कर रहे थे वहाँ बताते कि सेटिस्फेक्शन उसके बारे में सर आप हो सकते हैं। देखिए सेटिस्फेक्शन जो लाइफ में है अगर आप किसी भी प्रोफेशन में वो कभी भी पैसे से पावर से नहीं होता। पावर एक टूल होता है, एक मींस होता है जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। जी सर। अल्टीमेटली सेटिस्फेक्शन आपको तब होता है जब आपका जो काम है जी सर उसको अच्छे तरीके से करें। जैसे अगर आप पुलिस ऑफिसर हैं जी सर, एज अ पुलिस ऑफिसर अगर आप अपने यहाँ पे क्राइम को कंट्रोल करते हैं और जो क्रिमिनल्स हैं उनको अरेस्ट करते हैं जी सर, लोगों का ट्रस्ट जीतते हैं, तो आपको सेटिस्फेक्शन होता है जी सर। वो उस पर्क से नहीं आता है, काम करने से आता है। ऐसे एक आईएएस ऑफिसर है, टैक्स ऑफिसर है, वो जब अच्छे केसेस बनाता है अपनी अपने जॉब को बहुत अच्छे तरीके से करता है तब उसको सेटिस्फेक्शन होता है। सर कोरा पे आपका लाइफ मतलब कैसे हुआ, स्टार्ट कैसे हुआ कोरा और मतलब सक्सेस कैसे मिली, तो थोड़ा सा इस जर्नी के बारे में। कोरा में देखिए मैंने 2015 अगस्त से लिखना शुरू किया था, तो शुरू में मैं बहुत सारे टॉपिक्स पर लिखता रहा, तो उसमें मुझे उतना ज़्यादा और उसमें व्यूज़ नहीं मिलते थे और लोग उतना अप्रिशिएट नहीं करते थे। फिर मैंने सिविल सर्विसेज में लिखना शुरू किया। अच्छा। और सिविल सर्विसेज में चूँकि मेरा बैकग्राउंड था और सिविल सर्विसेज में मेरी एक क्रेडिबिलिटी थी और सिविल सर्विसेज को मैं जानता था, तो उसके बाद में फिर धीरे धीरे करके लोगों ने उसमें काफ़ी अप्रिशिएट करना शुरू किया और फिर मैं धीरे धीरे करके पॉपुलर हो गया। और फिर उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज रिज़ाइन किया अक्टूबर में, तो उसके बाद में फिर मैंने कुछ पॉलिटिक्स के बारे में भी लिखना शुरू किया, क्योंकि जब आप सिविल सर्विस में रहते हैं तो फिर आप पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं कर सकते हैं, तो उसके बाद में फिर और तेज़ी से फिर हमारी चीज़ें बढ़ी। फिर मेरा जो है लाइफ स्किल से रिलेटेड जो हमारे आंसर्स हैं वो काफ़ी पॉपुलर हैं। देखिए सिविल सर्विसेज के लिए मैं सोचता हूँ दो तीन चीज़ों का आपको ध्यान रखना। पहली चीज़ तो ये है मेहनत, मैं कहूँगा हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है और कम से कम एक साल का समय आते हैं जब आप अपना पहला टर्म करते हैं, मिनिमम वन ईयर की प्रिपरेशन आप कम से कम, और 10 आवर्स पर डे का आप गोल रखें सिविल सर्विस में कम से कम रोज तैयारी करें। ठीक है, एक तो देखिए ये मैसेज, दूसरा ये मैसेज है कि सिविल सर्विसेज की तैयारी जो है वो आप सब कुछ जानने की कोशिश नहीं करें, सुबह ट्राई टू लर्न एवरीथिंग ऑफ एवरीथिंग, बिकॉज दिस इज इम्पॉसिबल, द सिलेबस ऑफ सिविल सर्विसेज इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, नोबडी कैन कवर द होल सिलेबस। सो यू मस्ट बी वेरी सेलेक्टिव, यू मस्ट हैव अ प्रॉपर गाइडेंस कि हमें क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्योंकि अगर आप सब कुछ पढ़ना चाहेंगे तो आप सिलेबस को कम्प्लीट ही नहीं कर सकते। तो ये दो चीज़ें ध्यान रखिए, प्रॉपर गाइडेंस एंड कॉन्टीन्यूस हार्ड वर्क। तो मिनिमम वन ईयर हार्ड वर्क चाहिए आपको पहला टर्म देने के लिए, लेकिन जो एवरेज वो 26-27 ईयर्स की एज का होता है। इसका मतलब कि मेंटली आपको तैयार रहना चाहिए कि कम से कम आप 2-3 अटेम्प्ट देने के लिए तैयार हैं, तो इतना आपको हॉरिजन लेकर के चलना है कि आप 2-3 अटेम्प्ट देने के लिए तैयार रहें और फिर उस हिसाब से। थैंक यू सो मच सर।